मुश्किलें दिल के इरादे आजमाएगी, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाएगी। गिरकर भी हौसला मत खोना मेरे ए दोस्त, ये ठोकर ही तुम्हें चलना सिखाएगी। सो मैं सतीश तिवारी आपका स्वागत करता हूँ स्टूडेंट्स। चलिए आज हम देखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसमें हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ लैग्रेंजेस फॉर्म बाय द मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने लैग्रेंजेस फॉर्म को सॉल्व किया हुआ है। इट इज़ बाय मेथड ऑफ ग्रुपिंग, एक सॉल्यूशन का यूज करके हम फिर सेकंड सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ओके, उसमें आपको अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ जाएगा कि हम किस तरह से फिर अप्रोच करते हैं लैग्रेंजेस फॉर्म को सॉल्व करने के लिए, और आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने जो लेक्चर लिया हूँ वो पीपीटी का यूज़ करके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, बिकॉज पीपीटी में क्या होता है कि जो मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस होते हैं, बहुत क्लियरली विजिबल होते हैं और समझने में आसानी होती है। इसलिए मैं पीपीटी का यूज़ करता हूँ जनरली लेक्चर को समझाने के लिए। आपको इससे बहुत ही इम्पैक्टफुल होता है, एक्चुअली इफेक्टिव लेक्चर भी होता है और बहुत आसानी से समझ जाता है, समझने के लिए भी बहुत आसानी होती है। एंड so let us proceed for our lecture, that is solution of Lagrange's form by method of grouping. ओके, लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द लैग्रेंजेस फॉर्म, जहाँ पे भी हम लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो निकालेंगे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से। सो लेट अस सी द फर्स्ट एग्जांपल। इसके पहले हम ऑलरेडी हमने ग्रुपिंग से भी सॉल्व किया हुआ है और पहला सॉल्यूशन का यूज करके सेकंड सॉल्यूशन भी निकाला हुआ है, ठीक है। तो ये गिवन इक्वेशन है हमारे पास mz माइनस ny इंटू पी प्लस nx माइनस lz इंटू क्यू ly माइनस mx। ओके, नाउ इसके इक्वेशन का एज इट इज लिखते हैं। अब हम इसका लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिखेंगे। सो दैट विल बी गिवन बाय dx अपॉन इट इज कोएफिशिएंट ऑफ p, ओके, दैट इज mz माइनस ny, dy अपॉन इट इज कोएफिशिएंट ऑफ q, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ q, nx माइनस lz, देन dz अपॉन इट इज rhs पार्ट ऑफ द इक्वेशन ly माइनस mx। सो ये क्लियर है, सभी को ऑलरेडी पता भी है ना। अब हमको चेक करना है कि पहले कि ये मेथड ऑफ ग्रुपिंग से सॉल्व होता है या नहीं। अगर ये होता है तो इट्स ओके, ठीक है, हमको फिर मल्टीप्लायर मेथड से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो आपको देखिए यहाँ पे हम चेक करते हैं फर्स्ट और सेकंड रेशो, अगर मैं लेता हूँ तो ऊपर में है dx और dy और नीचे में है mz माइनस ny, nx माइनस lz। तो यहाँ पे देखिए z, y, x तीनों आ रहे हैं, ओके, ऊपर में तो है dx, dy, ओके, तो यहाँ पे z एलिमिनेट भी नहीं हो रहा है, मतलब इसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्रुपिंग, बिकॉज उसका इंटीग्रेशन ही पॉसिबल नहीं होगा सामने में, ठीक है। अगर वैसे मैं फर्स्ट और थर्ड रेशो लेता हूं जहां पे dx और dz है, बट यहां भी देखिए z, y और x आ रहा है, इसमें हमारे पास y एलिमिनेट नहीं हो रहा है, ओके, ये y एलिमिनेट अगर नहीं हो रहा है मतलब हम फिर से उसको इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। वैसे अगर मैं सेकेंड और थर्ड रेशो लेता हूं तो सेम केस हो रहा है वहां पर भी, ओके, वहां पर dy dz है तो यहां पर x एलिमिनेट नहीं हो रहा है हमारे पास, ओके, तो हम इसको ग्रुपिंग से बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, मतलब हमको इसको मल्टीप्लायर से ही सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। अब मल्टीप्लायर कुछ स्टैंडर्ड होते हैं और कुछ में हमको सोचना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है कि हम मल्टीप्लायर कैसे निकालें। वैसे से दो तरीके होते हैं मल्टीप्लायर निकालने के,
पहला तरीका क्या होता है कि आपको ऐसे नॉन जीरो मल्टीप्लायर लेने हैं, वो मल्टीप्लायर आपका वेरिएबल भी रह सकते हैं या अदरवाइज कांस्टेंट क्वांटिटी भी रह सकते हैं। आपको ऐसे चूज करना है कि अगर आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो उसका एडिशन क्या आना चाहिए, जीरो। ओके, ये पहला तरीका हो गया। और सेकंड तरीका कैसा है, आपको ऐसे मल्टीप्लायर चूज करना है कि अगर आपने मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को तो आपको जो भी नया रेशियो मिलने वाला है उस रेशियो को आपको इक्वेट करना है तीनों में से कोई भी एक रेशियो के साथ, और उसके बाद फिर वो जो है इंटीग्रेबल फॉर्म में आना चाहिए, मतलब उसका इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो ऐसे आपको दो तरीके से मल्टीप्लायर चूज करने पड़ते हैं। ओके, पहला कि आपका एडिशन और डिनोमिनेटर जीरो होना चाहिए, और सेकंड आपको जो नया रेशो बनाना है उसको तीनों में से एक के साथ इक्वेट करके वो इंटीग्रेबल फॉर्म में आना चाहिए। ये ऐसे दो मेथड होते हैं। तो यहाँ पे हम पहले मेथड से देखते हैं सॉल्व होता है क्या। तो मैं आपको एक पहला मल्टीप्लायर लेके बताता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं मल्टीप्लायर निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने चूज किया सपोज मल्टीप्लायर इट इज व्हाट एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो मैं ये जो एक्स वाई जेड क्या करता हूं, एक्स को मल्टीप्लाई करता हूं डी एक्स से, वाई को करता हूं इट इज व्हाट डी वाई से, और जेड को करता हूं डी जेड से। तो मुझे मिल जाएगा इट इज व्हाट एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। ये मैं हर एक रेशियो के साथ इक्वेट करूंगा, ईच रेशियो विल बी इक्वेटेड टू दिस। वैसे ही हम फिर डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई और जेड से। इसको एक्स से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा एम एक्स जेड माइनस एन एक्स वाई, ये हमने यहां पर लिखा। इसको मैं वाई से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा एन एक्स वाई माइनस एल वाई जेड। उसके बाद इसको हम करेंगे जेड से, एल वाई जेड माइनस एम एक्स जेड, ये क्वांटिटी आ गई। तो आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे एम एक्स जेड और माइनस एम एक्स जेड कैंसिल हो जा रहे हैं, माइनस एन एक्स वाई कैंसिल विद द प्लस एन एक्स वाई, एंड माइनस एल वाई जेड कैंसिल विद द एल वाई जेड। तो यहां पे डिनोमिनेटर हमारा क्या आ जा रहा है, इट इज व्हाट जीरो। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, और ये जीरो मैं ट्रांसफर कर देता हूं यहां पे, कोई भी रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल्स टू जीरो, जीरो के। अब देखिए इंटीग्रेशन के फॉर्म में इजीली आ गया। एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है इट इज व्हाट एक्स स्क्वायर बाय टू, वाई का इंटीग्रेशन है वाई स्क्वायर बाय टू, और जेड का है जेड स्क्वायर बाय टू, और हम कॉन्स्टेंट ले लेंगे सपोज इट इज व्हाट ए बाय टू। ओके, और इसको टू से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा इट इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए। तो ये हमारा हो गया पहला सोल्यूशन। ओके, इसको हम डिनोट करते हैं यू से, यू ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू दिस क्वांटिटी। आई सपोज ये क्लियर हो गया अभी आपको। अब इसके बाद आपको सेकंड सॉल्यूशन निकालना है। अब आपको पता है कि मल्टीप्लाई से तो सॉल्व हो ही नहीं रहा है ये। अब हम देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको कहीं पे यूज कर सकते हैं क्या सेकंड सॉल्यूशन निकालने के लिए? नहीं, बिकॉज यहां पे वैसा टर्म ही नहीं दिख रहा है। मतलब आपको जो सेकंड सॉल्यूशन भी निकालना है वो भी मल्टीप्लायर से ही निकालना है। अब देखिए मल्टीप्लायर कुछ एग्जांपल में स्टैंडर्ड होते हैं, वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन से मल्टीप्लायर से जनरली यूज होते हैं जो 80% एग्जांपल आपके सॉल्व कर देते हैं। ओके, और फिर आपको दूसरा मैं बताया कि मल्टीप्लायर ऐसे चूज करने की डिनोमिनेटर जीरो हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप वैसा थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए और मुझे बताइए कि फिर डिनोमिनेटर कैसा मैं मल्टीप्लायर चूज करूँ कि वो जीरो हो जाए। ओके, तो मैं प्रोसीड करते हैं फर्दर। आप थोड़ा सा सोचिए यहाँ पे दो मिनट कि हम कैसा मल्टीप्लायर चूज करें। ओके, यहाँ पे एम जेड माइनस एन वाई है, एन एक्स माइनस एल जेड है, एल वाई माइनस एम एक्स है। तो देखिए मैं मल्टीप्लायर यहाँ पे चूज करता हूँ, इट इज व्हाट एल एम और एन, और ये जो एल एम एन है मैं मल्टीप्लाई करूंगा देन डी एक्स के साथ डी वाई के साथ और डी जेड के साथ, एडिशन कर देंगे न्यूमरेटर का। वैसे फिर हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे एल को, फिर एम को, और उसके बाद एन को। ओके, तो आपको ये चीज मिल जाएगा। और ऑब्जर्व कीजिए एल एम जेड कैंसिल विद इट इज माइनस एल एम जेड, एन एल वाई कैंसिल होगा प्लस एन एल वाई के साथ, और एम एन एक्स कैंसिल होगा माइनस एम एन एक्स के साथ। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे ये क्वांटिटी दैट इज जीरो। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इक्वल्स टू जीरो। और ये जो एल एम और एन है ये कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। ओके, तो इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो आपको सिर्फ इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई और डी जेड का करना है, एंड दैट इज सिंपल इंटीग्रेशन, इट इज वॉट एक्स वाई एन जेड। ओके, इक्वल्स टू द इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट इट इज बी। तो आपको सेकंड सोल्यूशन भी मिल गया। सेकंड सोल्यूशन को डिनोट कर देते हैं वी से, वी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। देन जनरल सोल्यूशन हम लिखते हैं दैट इज गिवन बाय फाई ऑफ यू वी इक्वल टू जीरो, यू सब्सिट्यूट कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड वी अभी हमने निकाला एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं लैग्रेंजेस के एग्जाम्पल बाय मल्टीप्लायर मेथड। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल और लिए हुए हैं, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको एकदम आइडिया क्लियर हो जाएगा कि मल्टीप्लायर कैसे चूज करते हैं। देखिए मैं आपको बताया था कि जो जनरल मल्टीप्लायर है वो क्या होता है मैक्सिमम एग्जाम्पल में जो हम चूज करते हैं, उसको आप याद रखिएगा। जैसे भी हमने यहाँ पे चूज किया था मल्टीप्लायर एक्स वाई जेड, ये बहुत ही फेमस मल्टीप्लायर है, उसको हम मैक्सिमम एग्जाम्पल में यूज करते हैं।
उसके बाद अभी हमने यूज किया दैट इज व्हाट, एक है एल एम और एन, वैसे वो ये वाला एलिमेंट एग्जाम जो मल्टीप्लायर है वो सिर्फ इसी एग्जाम्पल में यूज हुआ है, ओके, और वैसे कहीं पे यूज नहीं हुआ है। उसके बाद हम चूज कर सकते हैं इट इज वन वन वन, ये भी हम चूज कर सकते हैं, या अदरवाइज आप चूज कर सकते हैं वन बाय एक्स, वन बाय वाई, वन बाय जेड, ओके, एंड वन मोर, वन बाय एक्स स्क्वायर, वन बाय वाई स्क्वायर, एंड इट इज वन बाय जेड स्क्वायर। ये पांच जो मल्टीप्लायर मैंने आपको बताया हमेशा याद रखिएगा आप, मैक्सिमम एग्जांपल इसी से सॉल्व हो जाते हैं, ओके। अगर आपको कभी कभी समझने में दिक्कत हो जा रही है तो आप ये मल्टीप्लायर चूज कर लीजिएगा एक्स वाई जेड और करके देखिएगा कि वो इंटीग्रेशन उसका पॉसिबल होता है कि नहीं, बिकॉज मैक्सिमम एग्जाम्पल में यही मल्टीप्लायर यूज होता है दैट इज एक्स वाई जेड, ओके। अगर आप सामने में देखेंगे मैं कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किया हूं तो उसमें भी आपको चीजें दिख जाएंगी। तो ये पांच मल्टीप्लायर आपको याद रखने हैं, ओके, और इसके बाद अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। Now our next example is, it is example 2, solve x square into y minus zp plus y square z minus xq equals to z square x minus y। तो थोड़ा सा आपको पैटर्न भी याद रखना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड आ रहा है, यहाँ पे वाई जेड एक्स आ रहा है, यहाँ पे जेड एक्स वाई, तो ऐसे इसमें मल्टीप्लायर बहुत इजीली हमको मिल जाता है ऐसे एग्जांपल में, ओके। तो जैसे अगर आप देखेंगे एग्जांपल को हमने एज इट इज लिखा, ओके, इसके लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख देंगे हम, आपको ये चीज आ गए लिखना आता है सपोज, ओके। अब आपको मल्टीप्लाई, आप देखिए पहले तो आपको चेक करना है कि ग्रुपिंग से सॉल्व होता है कि नहीं। जैसे अगर मैंने पहले दो रेशो लिया, यहाँ पे एक्स वाई जेड आ रहा है, यहाँ पे एक्स वाई जेड आ रहा है, तो ऊपर में डी एक्स डी वाई है बट जेड एलिमिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसको तो मैं सॉल्व ही नहीं कर सकता हूं ग्रुपिंग से। वैसे फर्स्ट और थर्ड लेता हूं तो वहां भी एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है और वाई कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ओके, मतलब इसको भी हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। वैसे फिर सेम केस है सेकंड और थर्ड रेशो के लिए भी, ओके, तो हम इसको ग्रुपिंग से तो सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो आपको मल्टीप्लायर से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लायर हम क्या चूज करें, अभी मैंने आपको पांच मल्टीप्लायर्स बताया, उसमें से ही आपको अभी चूज करना है ये चीज, ठीक है। तो सिंपल है, अभी आपके लिए टास्क देखिए, अगर मैंने इसको 1 बाय एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ पे 1 बाय वाई स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ पे 1 बाय जेड स्क्वायर, तो ये टर्म्स कैंसिल हो गए, तो ये y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, तो y और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल हो जाएगा और माइनस एक्स प्लस एक्स मतलब जीरो आ जाएगा, इट इज सिंपल, ठीक है। तो 1 बाय एक्स स्क्वायर, 1 बाय वाई स्क्वायर, 1 बाय जेड स्क्वायर आपने मल्टीप्लायर लिया, न्यूमिनेटर में आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसको 1 बाय एक्स स्क्वायर से, इसको 1 बाय वाई स्क्वायर से, इसको 1 बाय जेड स्क्वायर के, जेड स्क्वायर से, और इसका एडिशन ले लिया, ठीक है। और वैसे फिर हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, 1 बाय एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हुआ, 1 बाय वाई स्क्वायर ये कैंसिल हुआ, 1 बाय जेड स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो आपको ये क्वांटिटी मिल गई और जो जीरो आ रही है, ओके। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं और इसी को फर्दर हम लिख सकते हैं, इट इज इनटू दिस फॉर्म, डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय वाई स्क्वायर प्लस डी जेड बाय जेड स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। आई सपोज एकदम क्लियर है अभी आपको ये चीज। अब आपको सिर्फ क्या करना है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर क्या होता है, ओके, आई सपोज आपको पता होगा, तो भी मैं आपको बता देता हूं यहां पे कि इंटीग्रेशन ऑफ इट इज 1 बाय एक्स स्क्वायर दैट वी फाइंड आउट बाय द सिंपल वे, इट इज वी आर हैविंग इंटीग्रेशन ऑफ इट इज 1 बाय एक्स स्क्वायर डीएक्स, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर माइनस टू डीएक्स, और इसको फर्दर हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन कैसा, एक्स टू द पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस सी द इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट, और ये हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस सी एंड दैट इज नथिंग बट माइनस वन बाय एक्स प्लस सी। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन किसका, 1 बाय एक्स स्क्वायर का। आपको शायद पता होगा हमने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाया, इट इज एक्स टू द पावर एन डी एक्स वाला, क्या फॉर्मूला होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन इट इज एन प्लस वन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, हमने यहाँ पे अप्लाई किया, या अदरवाइज आप डायरेक्टली याद रखिए कि 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 बाय एक्स। तो वैसे मुझे बता दीजिए 1 बाय वाई स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन होगा, इट इज माइनस 1 बाय वाई, एंड 1 बाय जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, इट इज माइनस 1 बाय जेड। तो हमने यहां पे लिख दिया इंटीग्रेशन, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं माइनस ए, बिकॉज माइनस हर एक टर्म में आ रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको मिल गया 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर प्लस 1 बाय जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए। तो ये हमारा आ गया क्या सोल्यूशन, दैट इज सेकेंड सोल्यूशन, उसको सॉरी फर्स्ट सॉल्यूशन, इसको हम यू से डिनोट कर देते हैं। अब निकालना है सेकंड सॉल्यूशन। अब बताइए मुझे, ये भी हम मल्टीप्लायर से करेंगे, बिकॉज ये देखिए ये जो चीज है हम यहां पे यूज ही नहीं कर सकते हैं फिर से हम, ठीक है, सेकंड सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो आपको मल्टीप्लायर से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब मुझे थोड़ा सोच के बताइए मल्टीप्लायर क्या होने चाहिए। जो पांच मैंने मल्टीप्लायर दिया उसी में से यहां पे भी एक मल्टीप्लायर रहने वाला है, तो जरा सोचिए। आई विल गिव दैट इज 30 सेकंड टू यू, जस्ट थिंक इट, ठीक है। इसको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको अच्छे से, तो आपको मल्टीप्लायर बहुत इजीली और अच्छे से आराम से मिल जाते हैं।
ठीक है, आपको शायद आइडिया आ गया होगा। देखिए मैं यहाँ पे 1 बाय एक्स अगर लेता हूँ तो यहाँ पे एक्स इंटू वाई आएगा, यहाँ पे अगर मैंने 1 बाय वाई लिया तो ये वाई इंटू एक्स विद अपोजिट साइन आ रहा है तो कैंसिल हो रहा है। देखिए मतलब यहाँ 1 बाय एक्स, यहाँ पे 1 बाय वाई और यहाँ पे 1 बाय जेड से मल्टीप्लाई करते हैं और अगर ऐड करेंगे तो वो जीरो आता है। और यहाँ पे आपको dx को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 बाय एक्स, 1 बाय और 1 बाय जेड से और एडिशन कर देंगे। तो देखिए हम करते हैं यहाँ पे, तो मल्टीप्लायर हमने ये चूज कर दिया, ईच रेशियो विल बी इक्वेटेड टू द क्वांटिटी दैट इज dx बाय एक्स प्लस dy बाय वाई प्लस dz बाय जेड अपॉन, ओके आपने 1 बाय एक्स, 1 बाय वाई, 1 बाय जेड वहां पे लिया तो आपको ये क्वांटिटी आ गई। देखिए एक्स वाई कैंसिल हो जा रहा है माइनस एक्स वाई से, माइनस एक्स जेड कैंसिल हो रहा है इट इज प्लस एक्स जेड से, और वाई जेड भी कैंसिल हो रहा है माइनस वाई जेड से, तो आपको आ जाएगा यहाँ पे जीरो डिनोमिनेटर में। तो इसको हम लिख देंगे dx बाय dx प्लस dy बाय y प्लस dz बाय z इक्वल्स टू जीरो, एकदम सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे। सिंपल सा इंटीग्रेशन है, देखो x का डेरिवेटिव ऊपर में है dx तो इंटीग्रेशन होगा log x, y का डेरिवेटिव ऊपर dy इंटीग्रेशन इज log y और यहां पे हो जाएगा log z, और इसके बाद हम लिख सकते हैं log x प्लस log y प्लस log z इक्वल्स टू द इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट, log b भी आप ले सकते हैं बट मैंने यहाँ पे b लेके आपको बताया हुआ है, दोनों चलता है। log b लिया तो और आसान हो जाएगा आपके लिए सामने में कैलकुलेशन, b भी लिया तो भी चलता है। अब यहाँ पे लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, मैंने आपको बताया था log x प्लस log y प्लस log z क्या होता है, log ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू इट इज b, ओके। अभी log मुझे हटाना है, log हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक्सपोनेंशियल लूंगा, ओके एक्सपोनेंशियल अगर मैंने लिया बोथ द साइड में तो ये लॉग हट जाएगा, एक्स वाई जेड इक्वल टू ई टू द पावर बी, और ई टू द पावर बी को मैं डिनोट कर देता हूँ किससे, सी से, ओके अगर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लॉग बी लिया रहता ठीक है, मुझे सी से फिर डिनोट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, डायरेक्टली मेरे पास यहाँ पे बी आ जाता था। आप दोनों वे से कर सकते हैं, बस आपको फिर एक नया कॉन्स्टेंट लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये सेकंड सोल्यूशन हो गया, दैट इज वी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू दिस क्वांटिटी। देन हम लिखते हैं अभी जनरल सोल्यूशन ऑफ द लैग्रेंजियस फॉर्म, दैट इज फाई ऑफ यू वी इक्वल्स टू जीरो या फिर फाई ऑफ दिस क्वांटिटी इक्वल्स टू जीरो। आई सपोज आपको एकदम क्लियर हो गया। अभी हम देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग है इससे, ये दोनों एग्जाम्पल से, तो उसको आपको जरूर देखना है। ओके हियर इज द थर्ड एग्जाम्पल। सो यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज यहाँ पे जब हम मल्टीप्लायर चूज करेंगे वो जो मल्टीप्लायर है उससे डिनोमिनेटर हम जीरो नहीं करने वाले हैं, हम एक नया रेशो बनाएंगे जो तीन रेशो में से हम एक रेशो के साथ इक्वेट करेंगे और फिर हम सोल्यूशन फाइंड आउट करने वाले हैं। तो इक्वेशन को मैं एज इट इज लिख देते हैं, लैग्रेंजियस ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिख देते हैं, ठीक है ऐसा बोझ आपको क्लियर है कैसे लिखते हैं ना। उसके बाद चेक कीजिए पहले ग्रुपिंग से सॉल्व होता है क्या, अगर इन दोनों को मैंने ग्रुप किया ऊपर में dx dy आपको दिख रहा है, नीचे में z आ रहा है जो कैंसिल नहीं हो रहा है, अगर मैं dx dz लेता हूं यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ भी कोई टर्म है कि जो एक्स वाई जेड में टर्म्स है जिसमें y कैंसिल नहीं हो रहा है, और वैसे भी सेकंड और थर्ड रेशो के साथ भी है, मतलब एग्जाम्पल ग्रुपिंग से सॉल्व नहीं होगा, आपको मल्टीप्लायर से सॉल्व करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लायर देखिए यहाँ पे जो पिछला जो था उसमें आपको थोड़ा साइक्लिक नेचर में एक्स वाई जेड दिखा था, एक्स वाई जेड आ रहा था ओके, वो आपने ऑब्जर्व किया था, वैसा चीज यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे देखो ये दो रेशो नियर अबाउट सेम दिख रहे हैं और ये थोड़ा सा अलग दिख रहा हुआ है, तो आपको जो मल्टीप्लायर चूज करने भी जो स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे फेल हो जाते हैं कभी कभी, बट किसी किसी में यूज भी होते हैं ओके। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है ओके, ये माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस वाई स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं कब, जैसे अगर मैंने इसको वन से मल्टीप्लाई किया और इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा ओके। तो मैं जो मल्टीप्लायर यहाँ पे चूज करने वाला हूँ कैसे चूज करने वाला हूँ, देखो वन माइनस वन और जीरो, तो मैं वन से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस वन से यहां मल्टीप्लाई करूंगा और यहां मल्टीप्लाई करूंगा, और जीरो से हम तीसरे वाले रेशो को मल्टीप्लाई करेंगे ओके। तो मुझे कैसा मिलेगा, देन ईच रेशो विल बी इक्वल्स टू डी एक्स माइनस डी वाई, देन दिस क्वांटिटी एज इट इज बिकॉज वन से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया हुआ इसलिए उसको हम लिखेंगे माइनस, इट इज वॉट एक्स स्क्वायर, देन प्लस वाई स्क्वायर एंड देन इट इज वॉट माइनस, दिस इज प्लस जेड एक्स ओके। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम, देखो तो यहां पे देखिए आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या माइनस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो यहां पे कॉमन क्या निकल रहा है, देखो जेड एक्स और वाई जेड में जेड कॉमन निकल रहा है, तो जेड कॉमन निकाल लिया और उसको लिखा मैंने एक्स माइनस वाई, तो ये आया मुझे नया रेशियो। अभी
अब ये जो नया रेशियो आया हुआ है, यहां पे देखिए मुझे जीरो नहीं मिला हुआ डिनोमिनेटर में, ओके, मैंने एक नया रेशियो ऑब्टेन किया। अब इस रेशियो को मैं तीनों में से कोई भी एक रेशियो के साथ इक्वेट करूंगा और सॉल्यूशन फाइंड आउट करूंगा, ओके। अगर मैंने ये दोनों रेशियो इक्वेट किए तो एक्स माइनस वाई देखिए कैंसिल हो जा रहा है, जेड भी कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। मतलब इट इज सिंपल टू इक्वेट दिस थर्ड रेशियो विद दिस रेशियो। तो अगर मैं लास्ट रेशियो के साथ इक्वेट करता हूं तो मुझे ये चीज मिलेगी, इसमें डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे तो, और डीजेड को हम यहां पे लेफ्ट साइड में ले सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं dx माइनस dy माइनस dz इक्वल्स टू जीरो। क्लियर, एकदम सिंपल हो गया। और इंटीग्रेशन हम अगर करेंगे तो ये हो जाएगा, इट इज व्हाट, x माइनस y माइनस z इक्वल्स टू द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, इट इज a, हम ले सकते हैं। तो आपका आ गया सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन बाय यूजिंग द मल्टीप्लायर 1 माइनस 1 एंड 0, ओके। तो ऐसे भी मल्टीप्लायर आपको चूज करने पड़ते हैं जिससे आपको नया रेशियो बनाना है और बाद में इक्वेट करना है कोई भी तीन रेशियो के साथ, सो दैट वो आपका इंटीग्रेबल फॉर्म में आके उसका सॉल्यूशन फिर आपको मिले, ओके। ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा, ठीक है, इसका ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। कुछ एग्जांपल्स है जो फ्रीक्वेंटली अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई हम कैसे मल्टीप्लायर चूज करें, और थोड़ा ऑब्जर्वेशन लगता है जैसे मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया था, ओके। नाउ इसको हम ले लेते हैं, इट इज व्हाट यू। और एक और चीज आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे सपोज मल्टीप्लायर लेता था 1 माइनस 1 और माइनस 1, यहां पे 1 माइनस 1 तो लिया, यहां भी अगर मैंने माइनस 1 ले लिया रहता तो मुझे डिनोमिनेटर में 0 मिलता था, 0 मिलता था मुझे, फिर ऊपर में ये टर्म आ गया रहता dx माइनस dy माइनस dz विच इज इक्वल टू 0, ओके। आप वैसा भी कर सकते थे, मैं आपको दो तरीके बताया हूं, आप दोनों तरीके से कर सकते थे, ठीक है, बट मुझे दूसरा मेथड आपको एलोबरेट करना था इसलिए मैंने यहां पे ये चीज लिया, ठीक है। तो आपने 1 माइनस 1 और माइनस 1 भी अगर लिया रहता आपको सेम सोल्यूशन मिला रहता, x माइनस y माइनस z इक्वल टू a, आप करके देखिएगा उसे। अब हमको निकालना है सेकंड सोल्यूशन, सेकंड सोल्यूशन में भी देखिए हम ये वाला तो सोल्यूशन यूज नहीं कर सकते हैं, सेकंड सोल्यूशन के लिए फिर आपको मल्टीप्लायर ही यूज करना है। अब क्या मल्टीप्लायर हम लेंगे बताइए, ये भी थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहां पे जो मल्टीप्लायर मैं यहां पे लेने वाला हूं वो लेने वाला हूं फिर से x माइनस y और 0, सो दैट ये दोनों इक्वेशन से हम कंप्यूट करेंगे और उसको फिर तीसरे रेशियो के साथ इक्वेट करेंगे। तो देखते हैं, हम यहां पे मैंने x माइनस y 0 लिया, ओके, और मैं देखिए यहां पे लिख दिया हूं वो तीन रेशियो फिर से। अगर मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा x dx, ये हो जाएगा माइनस y dy, और जाएगा इट इज वॉट 0 इंटू dz, और नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यू माइनस इट इज वॉट, हमने x से मल्टीप्लाई किया एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड, वैसे फिर यहां पे y से कर देंगे और यहां पे 0 से, देखिए मुझे मिल जाता है, देन इट इज आई कैन से दैट ईच रेशियो विल बी इक्वल टू दिस क्वांटिटी, ओके। और जहां पे देखिए डिनोमिनेटर तो 0 नहीं हो रहा है, सपोज एक्स वाई जेड ही कैंसिल होगा यहां पे, बाकी टर्म तो मुझे एक्स क्यूब वाई क्यूब कोई कैंसिल होते मुझे दिख नहीं रहे हैं, तो हम क्या करते हैं थोड़ा कलेक्ट कर लेते हैं, एक्स क्यूब वाई क्यूब को साथ में ले लेते हैं, और ये जो हमारे पास बचा एक्स वाई और कौन सा बचा इट इज माइनस एक्स स्क्वायर वाई, उसको हम एक साथ में ले लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, यहां पे एक्स क्यूब है यहां पे एक्स स्क्वायर वाई है, तो यहां से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूं, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं यहां पे, ठीक है, और कुछ नहीं। तो एक्स स्क्वायर मैंने यहां से कॉमन निकाला, वाई क्यूब यहां पे है और माइनस एक्स वाई स्क्वायर यहां पे है, तो यहां से मैं वाई स्क्वायर कॉमन लेकर निकाल लेता हूं तो मुझे क्वांटिटी क्या मिलेगी, अगर मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो मुझे मिलेगा एक्स माइनस वाई, और वाई स्क्वायर कॉमन निकाला तो एक्स माइनस वाई, तो ये एक्स माइनस वाई मैं और कॉमन निकाल लूंगा तो मुझे ब्रैकेट में मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके। अब ये रेशियो को मैं फिर से लास्ट रेशियो के साथ इक्वेट करूंगा, बिकॉज लास्ट रेशियो में क्या है, देखो एक्स माइनस वाई है यहां पे, ओके, वो एक्स माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा, तो आई इक्वेट दैट हियर, तो दिस विल गेट कैंसल्ड, मुझे मिलेगा क्या फिर यहां पे, देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं खुद को, तो नीचे ले लेते हैं दिख जाएगा आपको, सो नाउ इट इज डी जेड बाई जेड यहां पे आ गया मेरे पास, बिकॉज एक्स माइनस वाई कैंसिल हो गया, अब ये क्वांटिटी, सो डी जेड बाई जेड का तो इंटीग्रेशन सिंपल है, इट इज लॉग जेड आपको पता है। अब इसका इंटीग्रेशन देखिए, देखिए कैसे यहां पे एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई है और यहां पे ये क्वांटिटी है, तो हम चेक करते हैं कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर में है या नहीं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, इट इज टू एक्स डी एक्स, वो टू नहीं है यहां पे, वैसे वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, टू वाई डी वाई, माइनस तो ऑलरेडी है, तो 2 का क्वांटिटी यहां पे नहीं है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इस इक्वेशन को, अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो बताइए मुझे क्या मिलेगा, फिर इट इज 2x dx माइनस 2y dy अपॉन दिस क्वांटिटी इनटू 2z। अब देखिए डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, मतलब अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं दिस विल बी द लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ओके, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy,
डू द इंटीग्रेशन हियर, वी गेट हियर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बताया हूं, ओके okay? अगर मेरे पास एफ डैश मतलब डेरिवेटिव ऊपर में रहता है नीचे वाले डिनोमिनेटर का, तो मैं लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिख सकता हूं, विच इज इक्वल टू टू यहां पे एज इट इज डी जेड बाय जेड, इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग जेड प्लस इट इज वॉट लॉग बी। अब यहां पे भी लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर लो, ओके okay? यहां पे टू मैं ऊपर में ले लूंगा तो जाएगा लॉग जेड स्क्वायर बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम जो मैंने आपको बताया। उसके बाद लॉग भी हमने यहाँ पे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लिया हुआ है, तो नेक्स्ट लाइन में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, ये लॉग ए प्लस लॉग बी वाला तो जाएगा लॉग ऑफ ए इंटू बी, ओके वो आप अप्लाई कर सकते हैं, या अदरवाइज लॉग जेड स्क्वायर को आप यहाँ पे ले लीजिए, बिकॉज जनरली हम क्या करते हैं जो फंक्शन रहता है उसको इक्वेट करते हैं कॉन्स्टेंट से, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ओके आंसर विल बी सेम। तो यहाँ पे लॉग ए माइनस लॉग बी मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू इट इज लॉग बी, क्लियर। अब नाउ इसके बाद हमको लॉग हटाना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी एक्सपोनेंशियल ले लेना पड़ेगा बोथ द साइड, तो लॉग हट जाएगा, सो वी टेक द एक्सपोनेंशियल टू बोथ द साइड, सो लॉग हटने के बाद मुझे ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू बी, तो हमारा सेकेंड सोल्यूशन हो जाएगा, उसको हमने वी से नोट किया। अब हम लिखते हैं जनरल सोल्यूशन, दैट इज गिवन बाय फाई ऑफ यू इक्वल टू जीरो, यू पुटअप किया और वी पुटअप किया विच इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्लियर हो गया। तो आई सपोज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई और समझ गई होगी, बिकॉज मैंने जो दो टाइप के एग्जांपल आते हैं दोनों ले लिया हूं मैंने, और जो मैक्सिमम मल्टीप्लायर जैसे हम जो चूज करते हैं वो भी मैंने आपको बताया हूं, ठीक है। तो आई सपोज वीडियो क्लियर है आपको, और यहाँ पे मैंने कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल दिए हैं उसको भी थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपको कंसेप्ट आ जाए कि मल्टीप्लायर हम कैसे चूज कर रहे हैं। देखिए पहला वाला जो एग्जाम्पल है इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए आप, यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड जेड वाई जेड एक्स एंड जेड एक्स वाई आ रहा है, ठीक है, मतलब थोड़ा साइक्लिक नेचर में चल रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लायर वही रहेगा जो मैं आपको पांचों में से बताया था, तो यहाँ पे हम वन बाय एक्स वन बाय वाई और वन बाय जेड मल्टीप्लायर ले सकते हैं, तो आपको सोल्यूशन आ जाएगा इट इज वॉट एक्स वाई जेड, और दूसरा मल्टीप्लायर हम लेंगे यहाँ पे इट इज देखो एक्स वाई और जेड, तो आपका डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा जीरो और सोल्यूशन विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्लियर। अब सेकंड का तो आप बहुत इजीली मुझे बता सकते हैं कि मल्टीप्लायर क्या रहेंगे 1 बाय एक्स 1 बाय वाई 1 बाय जेड, और एक मल्टीप्लायर रहेगा इट इज व्हाट 1 1 और 1, ओके उसमें सॉल्यूशन आपका आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहां पे देखिए ये सेम क्वेश्चन इस वे से भी पूछा हुआ था, जैसे अगर मैं इस इक्वेशन को पूरा मल्टीप्लाई करता हूं एक्स वाई जेड के साथ तो मुझे ये वाला इक्वेशन फिर से मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा भी पूछ सकते हैं थोड़ा सा, तो आपको बस समझना पड़ेगा उसको। उसके बाद यहाँ पे अभी जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया हमने तीसरा, सिमिलर टू दैट है, बस यहाँ पे x प्लस वाई है, बाकी बिल्कुल सिमिलर वे से आपको सॉल्व करना है जैसा हमने किया। आपको मल्टीप्लायर 1 माइनस 1 माइनस 1 ले सकते हैं, या अदरवाइज जैसा मैंने 1 माइनस 1 0 लिया था वो भी लेके आप कर सकते हैं, और सेकंड में आपको फिर वैसे लेना है एक्स माइनस वाई जीरो मल्टीप्लायर, आपको ये चीज निकालनी है, ओके यहाँ पे एक्स वाई जीरो लेना है कि एक्स माइनस वाई जीरो थोड़ा देखिएगा, ओके आपको समझ जाएगा। और थर्ड वाला क्वेश्चन भी सिंपल है, यहाँ पे आप 1 1 मल्टीप्लायर ले लेंगे और दूसरे मल्टीप्लायर के लिए आप लेंगे एक्स वाई और माइनस जेड, तब आपका जीरो आएगा और आपका ये सोल्यूशन निकलेगा। तो आई सपोज ये क्लियर है अभी आपको कि मल्टीप्लायर से कैसे सॉल्व करने, बिकॉज मल्टीप्लायर में क्या मैंने देखा हूं कि स्टूडेंट्स बहुत क्वेश्चन करते हैं सर हमको मल्टीप्लायर समझ नहीं रहे हैं कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है, आपको इसके लिए पता था मैं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एग्जांपल की, तो अब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आप मल्टीप्लायर को कैसे चूज करते हैं। इसके बाद भी मैंने एक मतलब वीडियो लिया हूं जिसके अंदर मैंने मल्टीप्लायर प्लस ग्रुपिंग के ऊपर एग्जांपल सॉल्व किए हुए हैं, तो उसमें भी आपको क्लियर होगा कि हम मल्टीप्लायर कैसे चूज करते हैं और ग्रुपिंग से भी कैसे सॉल्व करते हैं, ओके। सो एट लास्ट आई विल से इट इज व्हाट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू गेट समथिंग फ्रॉम इट प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, ओके। एंड वन मोर थिंग दैट मैंने यहाँ पे एक प्लेलिस्ट दी हुई है आपको अगर दिखेगी तो, ओके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसमें आप जाके आपके रिलेवेंट टॉपिक्स देख सकते हैं, और मैंने कुछ 2-3 रिलेवेंट वीडियो यहाँ पे दिए हुए, अगर आपके रिलेवेंट है वो तो आप देखिए जरूर, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल यहाँ पे जाके, ओके थैंक यू वेरी मच।